व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं बाबा बागेश्वर का एग्जिट पोल भी आ गया। तो सुशांत सिन्हा सर की वीडियो है महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर। तो क्या लग रहा है आपको, भैया कौन जीतेगा ये भी जरूर बताना, आपकी क्या राय है। और देखते हैं क्या कुछ कहा गया एग्जिट पोल में बाबा बागेश्वर की। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का, मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश भर में इस वक्त एग्जिट पोल के नतीजों की चर्चा है। महाराष्ट्र में एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, झारखंड में को लेकर एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, यूपी उपचुनाव को लेकर एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, इसकी चर्चा हर तरफ है। और मोदी योगी का क्या हिसाब किताब आगे रहने वाला है, इस पर भी बड़ी बहस। लेकिन उन तमाम टीवी चैनल्स वाले एग्जिट पोल के अलावा एक एग्जिट पोल बाबा बागेश्वर का भी आया है, और आज इस वीडियो में आपको उस एग्जिट पोल के बारे में देखना चाहिए। आपको विस्तार से बताऊंगा, पहले आप भी जरा कमेंट करके एग्जिट पोल पर अपनी राय दीजिए। लेकिन एक एग्जिट पोल जिसकी बड़ी चर्चा है वो तो चुनावों से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी, हर जगह एग्जिट पोल्स जो हैं वो मोटे तौर पर, ज्यादातर एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। यूपी उपचुनाव में बीजेपी की बढ़त दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में 10 में से 6 एग्जिट पोल कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार, झारखंड में 7 में से 3 बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं। इसी तरह से अगर आप सट्टा बाजार को भी देखें तो सट्टा बाजार भी बीजेपी गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनता हुआ दिखा रहा है। यानी सारी जगहों पर अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो एनडीए की बढ़त इस पूरे एग्जिट पोल में दिख रही है। लेकिन फिर बाबा बागेश्वर का एग्जिट पोल कौन सा है और वो क्या कह रहा है, ये बताने से पहले, ये जो आप स्क्रीन पर 3 लोगों को देख रहे हैं, ये चुनाव जो है ना वो इन 3 लोगों का जो एक प्रयास है उसका एग्जिट पोल भी। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और बाबा बागेश्वर, तीनों में एक चीज कॉमन इस वक्त ये है कि ये तीनों मिलकर हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, एकजुट करने। नरेंद्र मोदी एक है तो सेफ है का नारा दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं, और आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर क्या कर रहे हैं ये आपने देखा, ये वो खुलकर सनातन की बात कर रहे हैं, हिंदुओं एकजुट हो जाओ कह रहे हैं। इसलिए ये चुनाव के परिणाम इस बात का भी एग्जिट पोल होंगे जब परिणाम आएंगे कि हिंदू एकजुट हो पा रहा है या नहीं। अगर एग्जिट पोल जैसे नतीजे चुनाव की मतगणना के दिन आए तो इसका संकेत तो ये होगा कि हिंदू एकजुट हो रहा है, और अगर नहीं आए तो फिर तो भगवान ही मालिक है हिंदुओं का, उनका कुछ नहीं हिसाब हो सकता। लेकिन अब मैं आता हूं कि बाबा बागेश्वर का कौन सा एग्जिट पोल है जिसकी चर्चा बड़ी जरूरी। देखिए, मोदी योगी के प्रयास का एग्जिट पोल तो कह रहा है कि भाई हिंदू एकजुट हो रहा है, ऐसा लग रहा है, रिजल्ट वाले दिन फाइनल मुहर लगी। लेकिन बाबा बागेश्वर का एग्जिट पोल यानी वो जो हिंदुओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं उसका एग्जिट पोल भी आ गया है। आज से 21 तारीख से बाबा बागेश्वर हिंदू जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं, सनातनियों को एक करने का प्रयास शुरू कर रहे हैं, यात्रा पर निकल रहे हैं, पदयात्रा पर पैदल चलने वाले। सबसे बड़ा सवाल था कि हिंदू इस ठंड में घर छोड़कर आएगा कि नहीं उनका साथ देने के लिए। जो तस्वीरें आई हैं वो भी एक एग्जिट पोल है। जरा देखिए कल रात की ठंड में तस्वीर देखिए कैसे हिंदू जो है, जात पात की पर उतारी, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, बागेश्वर सरकार ने। अब आप जरा ये तस्वीरें देखिए, ये अपने आप में बड़ी कमाल की तस्वीर है कि बाबा बागेश्वर हिंदुओं से कहते हैं एकजुट हो जाओ। और आप देखिए जैसे आप क्रिकेट मैच वगैरह में देखते हैं कि लोग मोबाइल की लाइट जलाकर, फ्लैश लाइट जलाकर जो है वो एकता दिखाते हैं, उस तरह से आप देखिए हिंदुओं की लहर दिख रही है, जिस तरफ कैमरा पैन होता है उस तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। ये अपने आप में एग्जिट पोल है कि बाबा बागेश्वर जो हिंदुओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो भी सफल होने की तरफ बढ़ रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, एक बार सुनिए बाबा बागेश्वर ने क्या कहा, और आप भी बताइए कि क्या बाबा बागेश्वर ठीक कर रहे हैं हिंदुओं को जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, जाति प्रथा को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जाति का भेद मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, कमेंट करके बताइए। पहले इस वीडियो में बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं आपको वो भी सुनवाता हूं, जरा इसको देखिए। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, बागेश्वर सरकार ने करना है भारत को। छाती पर जाकर मकबर का नाम लिखवाया, हिंदू राष्ट्राते रहो, हटते रहो, ध्यान रखियो, सुबह गंदी भोजन कर रही हो, तिलक लगा रही हो, चप्पल भूखा पहन ले लो, सामान ले लो, बसे आगे लग जाए, सामान उनमें रख लो। आप बाबा बागेश्वर की एक बात गौर करते हैं, खुद यात्रा पर निकल रहे हैं, खुद चलने वाले हैं, लेकिन उनको अपने भक्तों की इतनी चिंता रहती है, सुबह सुबह खाना खा लेना, जूता चप्पल पहन के निकलना, ऐसे नंगे पांव मत निकल जाना, अपना ध्यान रखना, ये सारा उनका फोकस जो है ना वो इस पर रहता है। और इसीलिए शायद वो इतना लोगों को, हिंदुओं को जोड़ पा रहे हैं। और सिर्फ रात की बात नहीं, आपको सुबह की तस्वीरें दिखाता हूँ, सुबह भी देखिए
रात भगवान की सदगुरु सन्यासी बाबा की भारत हिंदू राष्ट्र की। एक और तस्वीर देखिए, सुबह सुबह बालाजी के दर्शन उन्होंने किए हैं और उसके बाद वो अपनी इस यात्रा पर निकले। तो बाबा बागेश्वर तो इस यात्रा पर निकल गए और ये तस्वीरें उस यात्रा के सफल होने ना होने, हिंदू के जागने न जाने का एक एग्जिट पोल भर। लेकिन बाबा बागेश्वर ये कर क्यों रहे, उनके साथ इतने लोग जुड़ क्यों रहे? बाबा बागेश्वर की एक बात जो मुझे लगती है कि उनके थॉट प्रोसेस में बहुत क्लैरिटी है। कोई कोई ये सोचकर बात नहीं करते कि मैं अच्छा बनूंगा बुरा बनूंगा, लोग मेरे लिए क्या कहेंगे। उनके जो दिल में है वो मुंह पर है। और इसलिए आप सुनिए कि वो खुलकर कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, मैं हिंदू हिंदू करता हूं। सुनिए एक बार। मुसलमान मत करो, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। किसी को बुरा लगता है तो लग जाए, मत आओ कथा में, मत सुनो हमारे प्रवचन। सीधी बात, तुम्हारी टीवी है बंद कर दो। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे हम हिंदुओं के लिए बोलेंगे, हिंदुओं के लिए लड़ेंगे। अब हमने विचार कर लिया, मंचों से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, अब हम गांव गांव जाएंगे, पदयात्रा करके हिंदुओं को जगाएंगे, और जो छेड़ेगा उनको अब छोड़ेंगे नहीं। अब यही बात लोगों को पसंद भी आती है और यही बात लोगों को नापसंद भी आती है। जो जो बोलेगा वो खुलकर कहते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और उनका हिंदू राष्ट्र क्या है? उनका हिंदू राष्ट्र ये नहीं कि यहाँ सिर्फ हिंदू रहे। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र वो है जहाँ हिंदू की पहचान सिर्फ हिंदू की रहे। तुम ब्राह्मण हो, तुम दलित हो, तुम पिछड़े हो, ये पहचान नहीं रहेगी। और इसलिए वो हिंदू को जोड़ने की बात करते हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई सनातन में इतनी ताकत है कि वो सबको लेकर चल सकते हैं। लेकिन कम से कम हिंदू जागे तो, हिंदू को बांटने का जो प्रयास हो रहा है वो खत्म हो। और इसीलिए उनकी ये खुलकर बोलने का, अब जैसे कुंभ लगने वाला, महाकुंभ होने वाला, उन्होंने खुलकर कह दिया कि गैर सनातनी जो है, जो गैर हिंदू है, उनको वहां दुकान नहीं लगनी चाहिए, लगाने देना चाहिए। और वो इसका तर्क दे रहे हैं, एक बार सुनिए इसको। चर्चा होने लगी है कि जो सनातन के फॉलोअर्स नहीं है उनका वहाँ पे क्या काम, उनकी दुकानें या वो वहाँ। बिल्कुल, हमने कहा है, हमने ये कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई, मक्का मदीना में हमें नहीं बुलाया जाता। आप इतने ही उदारवादी, गंगा जमुनी को मक्का मदीना में हमारी दुकान लगा दो, हम भी गरीब है भैया। आप इतने भारत में हिंदू गरीब है, आपकी मजारों के सामने हम लोगों की दुकानें नहीं लगती, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? आपको त्रिवेणी का ज्ञान नहीं, संगम का ज्ञान नहीं, संतों के मान का पता नहीं, कथा का आपको पता नहीं, संतों की महिमा का पता नहीं, खालसा क्या होते हैं, पंथ क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पता नहीं, तो आप वहाँ जाकर के करोगे क्या? धंधा करके मूत्र कांड करोगे, थूक कांड करोगे? इससे बेहतरीन ये मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? हम तुम्हारी मस्जिदों में नहीं घुसते, तुम हमारे, और हमारे हिंदू तुम्हारी मस्जिदों में घुसे जूते मार। तो वो एकदम क्लियर बोलता है कि भाई मक्का मदीना में हिंदू नहीं जा सकता, कोई दूसरे धर्म का नहीं जा सकता, वहां अपनी दुकानें नहीं लगा सकता। तो यहाँ पर भी जो महाकुंभ है, कम से कम वहां पर गैर हिंदुओं को मत आने दीजिए, उनको परंपरा संस्कृति का ज्ञान नहीं। वो ये तर्क दे रहे हैं, आप इससे सहमत या नहीं कमेंट करके बताइए। लेकिन यही जो वो खुल के बोल देते कि हमारा हिंदू जाए मस्जिद में तो तुम भी जूते मारो, तो अब ये बात लोगों को जो है वो अखड़ जाती है। लेकिन वो एक्चुअली कहने का प्रयास ये करते हैं कि वो हिंदू के साथ खड़े, उनको दिख रहा है कि भाई हिंदू में भी गरीबी है, हिंदू भी पिछड़ा हुआ है, लेकिन उसकी पहचान जो है ना कि तुम इस जाति से हो, तुम उस जाति से हो, इसके बनाकर और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, फायदा भी नहीं करा रहे, इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो इस इस्तेमाल को रोकना चाहते हैं। वो कहते हैं अपने जूते चप्पल मंदिर के बाहर छोड़ के जाते हो, अपनी जाति भी छोड़ के जाओ ना, हिंदू बन के मंदिर के अंदर जाओ, इसमें क्या गलत है? परिवर्तन तो लाना। इसी तरह से सुनिए वो हिंदुओं को जगाने के लिए और क्या कह रहे हैं, फिर आगे की बात बताते हैं। हिंदुओं में स्वयं में एकता नहीं है, ये कृत्य अगर कोई हिंदू कर देता तो अभी तक देश में दंगे की स्थिति हो जाती, अभी तक सरकारें बदल जाती, उलट फेर हो जाता, अभी तक तो अमानवीय कृत्य घोषित हो जाता। तो इसमें हमारी और आपकी कमी है कि हम आप एकजुट नहीं है, इसमें सबसे बड़ी कमी है हम लोग जागरूक नहीं है, इसमें सबसे बड़ी कमी है कि दूसरों को कमजोर, अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, बल्कि दूसरे धर्म के लोग अपने आप को लगातार मजबूत कर रहे हैं, सनातन संस्कृति, भारत की बेटियों पर, हमारे भारत के संतों पर, हमारी भारत की अस्मिता पर लगातार षड्यंत्र करके फंसा रहे हैं, लगातार षड्यंत्र करके डैमेज कर रहे हैं, और हम लोग सो रहे हैं। हमने आज कहा था, फिर कहते हैं, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें कहकर वो हिंदुओं को बता रहे हैं कि भाई संकट क्या है, इसको समझो। एक और बयान, फिर उसके बाद आगे की बात बताता हूं आपको। वो बता रहे हैं कि क्यों ये यात्रा निकालने की जरूरत पड़ रही है, उसको भी सुनिए। खड़ी हुई एक मिशन सफल हो गया। वर्तमान में पूरे देश में हिंदू समाज बट रहा है, विचित्र स्थिति में है, और पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, यहाँ के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, और भारत में ही अब तो पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति कई प्रदेशों में देखने को मिलती है, चाहे मऊ हो, मेवात हो, कल फिर से मणिपुर में आगजनी हुई है,
चाहे वो मणिपुर जल रहा हो अथवा फिर बहराइच की घटना हो अथवा फिर यहाँ बगल में बरेली की घटना हो या फिर राजस्थान के कई क्षेत्रों में कन्हैया लाल दर्जी की घटना हो, चाहे वो श्रद्धा के 35 टुकड़े हो या कोलकाता की वह डॉक्टर बिटिया हो गए, इन सब घटनाओं को देख करके धीरे धीरे ये स्थिति आ गई कि वो 6% से 22% हो गए और हिंदू धीरे धीरे घट रहा है, उनके ऊपर लगातार प्रायोजित तरीके से अत्याचार किए जा रहे हैं और हिंदू समाज अभी भी चुप बैठा है। यह बात हमारे दिल में बहुत ज्यादा चुभ गई। अब हमने विचार किया कि तालियां बजाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। तो उनका हिसाब क्लियर है कि भाई हिंदुओं के बीच भी जो भेदभाव है वो हिंदू को हिंदू से लड़ा रहा है और वो कह रहे हैं कि मंच से ये हिंदू एकजुट नहीं, सड़क पर निकलिए, लोगों के बीच जाइए। वो कह रहे हैं अपनी आइडेंटिटी हिंदू की बनाइए और वो ये कहते हैं कि आपको मुसलमान से नफरत नहीं होनी चाहिए। भाई मुसलमान अगर मुसलमान बनकर रहता है, उसकी जातियों के बारे में आपको नहीं पता है, तो मुसलमान की इस बात की तारीफ होनी चाहिए। वो जातियों में नहीं बढ़ता, कम से कम बाहर नहीं बढ़ता, अंदर जो भेदभाव करता है वो तो करता है लेकिन वो भेदभाव बाहर नहीं आता, मतलब उसके घर की बात है, इस तरह का माहौल। हिंदू ये चीज सीख क्यों नहीं सकता? हिंदू क्यों हर जगह जातियों में बटा है? आप क्यों पूछते हैं कि क्या सरनेम है, बताना जरा कौन जात हो जी, ये क्यों पूछना पड़ता है? मुसलमान से तो कोई नहीं पूछता कि भाई कौन जात हो। तो इसलिए वो हिंदू हिंदू की बात करते हैं कि भाई ये गड़बड़ है। और वो इसलिए करते हैं कि अगर हिंदू की पहचान हिंदू की होगी तो अल्टीमेटली सबकी पहचान भारतीय की होगी। एकजुट रहिएगा तो कोई इस तरह से पिन मार के जो है ना वो आपको तोड़ नहीं पाएगा और आपको नहीं तोड़ पाएगा तो देश को नहीं तोड़ पाएगा। और कई बाहरी ताकतें भी, विदेशी ताकतें भी लगी हैं कि कैसे भारत कमजोर किया जाए, इसलिए भी हिंदू का एकजुट होना जरूरी है। वो बार बार ये कह रहे हैं, तस्वीरें कह रही हैं कि हिंदू कम से कम एकजुट होने के इस प्रयास में उनका शुरुआती साथ तो दे रहा है, लेकिन क्या हिंदू निकलेगा सिर्फ घर में ये सोच के सोया रहेगा अच्छा ठीक है टीवी पे देखेंगे क्या होगा? सोचना कि देखी जाए, ये भी एक एग्जिट पोल होगा कि क्या बाबा बागेश्वर की बात बाहर तक जाती है या नहीं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि बाबा बागेश्वर इसमें सफल होंगे और क्या वाकई हिंदुओं को एकजुट करने की जरूरत है। अपनी राय जरूर दीजिए। इलेक्शन वाइज तो अगर मैं कहूँ ना, तो इलेक्शन वाइज एक चीज आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। अब की बार जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसमें जो अनुमान लगाया गया था कि इतनी सीट्स अपनी आ जाएगी, उसमें भरोसा नहीं था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा रीजन ये भी था कि बीजेपी की सीट कम आने में, कि एज अ मैं कहूंगा कि वोटर बहुत सारे लोग ना इस चीज में रह गए, अरे आपकी बार फिर मोदी सरकार, अब क्या फिर आ जाएगा मोदी आ जाएगा, एग्जाम्पल ओवर कॉन्फिडेंस वोट डालने के। मैं अपने जिम में भी देखता था कि अरे आ जाएगा, कौन जा रहा है वोट डालने, और जैसे बहुत सारे लोग आज के टाइम पर जॉब करते हैं तो बाहर रहते हैं तो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए वक्त के हिसाब से कि बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी वोटिंग जहाँ की है वहाँ की नहीं होती है, जॉब की वजह से वो स्विच करते रहते हैं बार बार। मेरी बुआ है, ठीक है, एज्ड है, ऑपरेशन भी हुआ है, वो आई थी बैंगलोर से, ठीक है, वोट उनकी इधर की है, दिल्ली की है, बैंगलोर से वो दिल्ली आ गई। और फिर एक इंसान के माइंड में आता है कि एक वोट डालने के लिए मुझे यार 10,000 रुपए खर्च करके जाना पड़े, 5,000, तो हर एक के लिए पॉसिबल भी नहीं हो पाता। पॉसिबल था, उन्होंने कर लिया, लेकिन मैं सोचती हूँ बैंगलोर ऐसी जगह है कि वहाँ कितने लोग जॉब के लिए, गुड़गांव हो गया, हरियाणा, गुड़गांव, दिल्ली हो गया, तो बहुत से लॉस तो है। हाँ, एक ऑनलाइन मुझे लगता है कोई ना कोई सिस्टम आना चाहिए कि ऑनलाइन वोटिंग की हो कुछ, तो ऑनलाइन ये तो जो नेट ना ब्लूटूथ वाले पे इतना इल्जाम लगा देते हैं कि इसमें दिक्कत है। और वही चीज मुझे लगता है कि अब क्या लोकसभा इलेक्शन में भी काफी लोग निकले नहीं, भले मतलब कि एकजुट होने वाली बात समझते हैं कि हाँ बटेंगे तो कटेंगे एंड ऑल ये सारी चीज समझ के, लेकिन फिर भी लोग आलस में या कह लो कि ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, लेकिन यार आ जाएगी सरकार। या तो कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड तो है ना आपके पास और अभी करंट एड्रेस ओटीपी से लिंक करके किसी ना किसी तरीके से, बट वोट ऐसी होनी चाहिए। मुझे लगता है ओटीपी के थ्रू अगर हम इतनी चीजें कर सकते हैं उसको हम सिक्योर मानते हैं तो वोटिंग के लिए भी नहीं, ओटीपी के लिए दूसरे रोने लग जाते हैं ना अगर उसमें इंटरनेट वाली चीज आ गई, ईवीएम ही हो लेकिन हो कुछ, लेकिन अगर ओटीपी से ऐसा होता तो ओटीपी से तेरे अकाउंट से कोई भी पैसा ना निकाल ले, फिर निकलता है नहीं निकलता ना, आपके पास है वो चीज। लॉजिक तो मुझे दे रहा है ना, वो जो ईवीएम है को जाता है उनको दे ले लॉजिक जाके। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हो, क्या लगता है कौन जीतेगा महाराष्ट्र का चुनाव, बताना जरूर। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।